इलेक्शन के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम सूरत-ए-हाल पर पार्टी और इत्तेहादियों का एहतमाम में लेने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ ने आज लाहौर में मुस्लिम लीग नून का इजलास बुला लिया। इजलास में वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज समेत सीनियर रहनुमा शिरकत करेंगे। तो अहम इजलास आज होने जा रहा है। ज़िमनी इलेक्शन के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम सूरत-ए-हाल पर पार्टी और इत्तेहादियों को एहतमाद में लेने का फैसला कर लिया है। बात कर लेते हैं उस्मान खान से। उस्मान, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी का आला सतह का इजलास बुलाया है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत सीनियर रहनुमा शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म चूंकि लाहौर में है तो वहीं पर ये इजलास जो है वो बुलाया जा रहा है और शाम को इस्लामाबाद आमद में रखे है। वज़ीर आज़म ने तमाम सूरत हाल पर चूंकि इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने का फैसला किया और ये इत्तेहादियों का इजलास कल जो है वो बुलाए जाने की तवक्को का इजहार किया जा रहा है। हमजा शहबाज से पंजाब असेंबली में अक्सरियत खोने से मुताफी होने का फैसला भी किया जाएगा। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त की क्या वजूहत है इसका भी जायजा लिया जाना है और लाहौर में शिकस्त का मामला खूब तौर पर जेरे बहस आएगा, क्योंकि पार्टी की आदत जो है इस बात पर काफी तशवीश का शिकार है कि लाहौर जो कि मुस्लिम यूनियन का किला समझा जाता है, वहां पर भी जो है वो मुश्किल पेश आई और हाथ से जो है वो निकाली निकल गए। तो ये तमाम सूरत हाल है जो कि पहले बीजेपी पार्टी और उसके बाद इत्तेहादियों के साथ मुशावरत की जाएगी।